आदरणीय कमल जी, निरंजन जी, जयंती बहन मेहता जी, हमारी आदरणीय बड़ी बहन, और बस जुड़िएगा। मैं सत्यन जी स्वागत, इनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब जब मैंने इनसे कुछ कहने की कोशिश की, सद्दाम हुसैन में ही बना, तुम काहे अपनी मिट्टी जुटोगी। लेकिन आज मैंने भाई बहन के आपस के संवाद सुने, वाह रे भाई बहनों, वाह काका जी, आपको पिताजी तो कह नहीं सकते क्योंकि आपका हुआ ही नहीं। अच्छा, आपको क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये है कि लोग आपको भीष्म पितामह कहते हैं। परेशानी इस बात से कि लोग कहते हैं इनका हुआ नहीं ब्याह, ये अपने आप को कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चल रहा हूँ। देखो साहब, मैंने तो शुरू कर दिया था, मैं माफी चाहता हूँ सत्यन जी, बोलना पड़ेगा मुझे। माना ये मुझे भीष्म पितामह जी कहते। अच्छा, मैं आप जानते हैं वो क्यों कुंवारा रह गया? सोच के देखो, भीष्म पितामह, उसके बूढ़े पिता बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त यह थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक उसी की संतान होनी चाहिए। तो भीष्म को अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और यह बात मैंने इसलिए बताई, मैं सत्यन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। तो हे महाराज शांतनु, यार तुम सत्यवती की तलाश करो। आज परोपकार में आके हमको नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि पिता भी समान होता है। क्यों, एनडी तिवारी का हुआ कि नहीं हुआ? एनडी तिवारी तो बेटा डीएनए देता है। नहीं, एनडी तिवारी को तो पका पकाया मिल गया।